दूसरी सुबह नूर के तड़के जब राजा भोप सिंह और उसका लाओ लश्कर रुखसत होकर चला गया तो चमकौर साहब की सूरत यूँ निकल आई जैसे हजारों घोरों ने किसी खूबसूरत कब्रिस्तान को पांव तले रौंद डाला हो। थके हारे करिंदे और खादम जहां जगह मिली पढ़कर सो गए। अंदर हवेली में चौधरी महताब दीन भी एक तख्त पोश पर लेटे करवटें बदल रहे थे। एक दो खास मसाहब उनका सर और पांव दबा रहे थे। कई रोज़ के पे दर पे रज जगह ने इन्हें चूर कर दिया था। यूं भी कल रात से वो कुछ ना ज़्यादा ही कसलमंद थे। रक्सो नगमा की महफिल में राजा भोप सिंह ने इन्हें कई बार शराब पीने की दावत दी थी, लेकिन चौधरी साहब हर बार खुश सलीका हीले बहानों से टालते गए। अंजाम कार जब राजा साहब खुद लड़खड़ाते हुए उठे और शराब का जाम बेनफ्से नफीस उनके होंठों से लगा कर खड़े हो गए तो चौधरी महताब दीन की मुरव्वत इनकार की ताब ना ला सकी। दूसरा जाम उन्होंने झुमका जान के हाथ से पिया, तीसरा तरंजन बाई से। अव्वलीन बादा गसारी के इस दौर ने चौधरी महताब दीन के दिलो दिमाग में ऐसे ऐसे रंगीन कमकमे रोशन कर दिए जिनकी तजलियों से वो आज तक रोशनास ना हुए थे। हवेली के दर दीवारें खूबसूरत गबार में डूब गए। झुमका जान के गले से आवाज़ की जगह महताबियाँ सी छूटने लगीं। तरंजन बाई के थरकते हुए तन बदन में सोने और चांदी के तार लहराने लगे। रंगनूर के इस सैलाब में चौधरी महताब दीन गुब्बारे की तरह उड़ रहे थे, लेकिन जब सुबह हुई तो टूटता हुआ खुमार चौधरी साहब के रगों पे में टीसें मारने लगा। वो अपने तख्त पोश पर ऊंधे पड़े हुए कर्रा रहे थे। इस सालम में सरदार नौनिहाल सिंह ने इन्हें एक मुजदा जान फजा सुनाया। सरदार नौनिहाल सिंह चौबारा मटका साहब की सेवा पर मामूर थे और इस रूहानी कारोबार में चौधरी महताब दीन के दस्ते रास्त थे। सरदार नौनिहाल सिंह ने चौधरी साहब का हाथ पकड़कर कहा, चौधरी उठो, इस तरह हामला औरत की तरह पड़े पड़े कब तक कराहते रहोगे। चौधरी साहब अपना दुखता हुआ बदन संभाल कर तख्त पोश पर अकरूं बैठ गए। चौधरी हीरा हीरे को काटता है, सरदार नौनिहाल सिंह ने कहा, शराब का कसल भी शराब से ही जाएगा। सरदार नौनिहाल सिंह के इसरार पर चौधरी महताब दीन ने शराब के एक दो घूंट पिए तो इनके कसीले मुंह का जायका बदल गया, जबान पर तरावत आ गई, गला खुल गया और जिस्म के दुखते हुए जोरों में असर इन्होंने शात ऊद कर आया। जिंदगी के कैफ का ये तीर बहदफ नुस्खा चौधरी साहब को बहुत पसंद आया। अंग्रेज़ी शराब की बची खुची बोतलें जो टोकरा भर कर बाहर भिजवाई जा रही थीं उन्होंने वापस मंगवा लीं और अपने दीवान खाने की अलमारी में एहतियात से रख कर ताला लगा दिया। शाम के वक्त जब चौधरी महताब दीन हाथी पर बैठकर हस्बे मामूल हवा खोरी के लिए निकले तो इन्हें अपने गांव का माहौल कुछ पराया पराया सा लगा। छोटे छोटे बच्चे जो कुलकारियाँ मारकर हाथी की सूंड से लटक जाते थे और हाथी इन्हें उठा उठा कर चौधरी महताब दीन की गोद में डाल देता था, आज कहीं नज़र ना आए। वो नुखेज और शरीर लड़कियां भी गायब थीं जो चौधरी का रास्ता रोककर चांदी के कंगनों और सोने की बालियों की फरमाइशें किया करती थीं। आज किसी ने सरे राउस के साथ हल्का पुल्का मजाक ना किया। वो सारा गांव घूम आया लेकिन किसी कोठे की छत से दुआओं की आवाज़ ना आई कि ओ बाबा साहिबा के खुशबख्त वारिस, अल्लाह तुझे सदा ही सुखी रखे। इस बेकैफ सैर के बाद जब चौधरी साहब घर आए महजूब और शर्मिंदा से थे, लेकिन सरदार नौनिहाल सिंह ने शराब की बोतल खोलकर सामने रख दी। वो तीन पैग पीकर चौधरी साहब फिर चहक उठे। चमकौर की सुनसान गलियां जादू के ज़ोर से फिर आबाद हो गईं। खामोश कोठों पर खूबसूरत परियों के झुरमट नाचने लगे। आसमान पर कोसे की जा छा गई। राजा भूप सिंह ने खुश होकर चौधरी महताब दीन को अपने हाथ से कई खत लिख कर दिए थे। कुछ परवाने कलकत्ता में बड़े बड़े अंग्रेज़ों के नाम के थे जिनमें चौधरी साहब को वफाशार हकूमत इंग्लिशिया और मावन दौलत बरतानिया के खताबात से नवाजा गया था और बड़े वसूख से यह तस्दीक की गई थी कि राजा भूप सिंह के बाद सतलुज के इस पार अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा यही ख्वाह चौधरी महताब दीन ही है। राजा भूप सिंह की दूसरी सनत महाराजा रणजीत सिंह के दरबार के नाम थी। इसमें चौधरी महताब दीन को सिख पंथ की आँख का तारा और खालसा हुकूमत का राज दुलारा साबित करके ये सर्टिफिकेट दिया था।
कि सतलुज के इस पार राजा भोप सिंह लाहौर दरबार की तलवार और चौधरी महताबद्दीन महाराजा उदयराज की ढाल है। श्री अकाल पुरख ने इन दो वफादार सपूतों को पैदा करके खालसा दरबार को सतलुज पार की सरहद से बिल्कुल बेफिक्र कर दिया है। राजा भोप सिंह वह गुरु जी का खालसा और चौधरी महताब दीन वह गुरु जी की फतह है। चौधरी महताब दीन ने इन नायाब परवानों के लिए रेशम की तह दर तह थैलियाँ सिलवाईं। दिन में कई बार वो इन थैलियों को नस्ली बटेरों की तरह हाथ में लेकर कभी सहलाते कभी मुठियाते थे। रात के वक्त चुस्की लगाकर वो थैलियों को बड़े एहतमाम से खोलते और खुतों को अदब एहतराम के साथ सर आँखों से लगाते और झूम झूम कर बार बार पढ़ते। बादामी कागज़ के ये पुर्जे चौधरी साहब के जहन में जलपरियों की तरह नाचते और इनका एक एक हर्फ अलहामी फुहार की तरह उनकी रूह के रेगजारों पर रंग बरंग तराशे करता। लाहौर और कलकत्ता के शाही दरबारों का तस्वुर उनके दिलो दिमाग में फुल झड़ियाँ से छोड़ता और ख्यालों से इस गुले गुलजार में चमकौर की बस्ती बड़ी जलील और बेमानी नज़र आती। यहाँ के लोग तोता चिशम थे जो चौधरी महताब दीन से कन्नी कतरा कर गुजर जाते थे। उन्होंने किसी को कत्ल ना किया था, किसी के हाथ डाका ना डाला था, किसी औरत की आबरू ना लूटी थी। इसके बरक्स वो तो लोगों की मदद ही किया करते थे। उन्होंने इस गांव को सर बुलंद कर दिया था। चौधरी महताब दीन के तो फैलाज दूर दूर तक चमकौर का डंका बजता था, लेकिन यहाँ के कमीने लोग अपनी असमत के इस एहसास से बेबहरा थे। रोज़ पर रोज़ मगैरत की एक ठोस दीवार चौधरी साहब के गिर्द उठती चली गई और रफ्ता रफ्ता वो एक कोड़ी की तरह सबसे कट कर अलग थलग परे रह गए। सुबह की सैर बंद हो गई, शाम को हाथी की सवारी भी मौकूफ़ हो गई। दिन भर वो अपनी हवेली में बंद रहते थे ताकि गांव वालों से ये मुठभेड़ ना हो जो आंखें चार होते ही मुंह दूसरी तरफ फेर लेते थे। माहौल की इस पागल कर देने वाली बेगानगी से घबरा कर चौधरी महताब दीन ने रखते सफ़र बांधा और एक हाथी, तीन रथ, 50 सवार और बहुत से प्यादों की जमीयत लेकर इन्होंने कलकत्ता का रुख किया। जब चौधरी महताब दीन की सवारी रवाना हुई तो गोया ताऊन का चूहा गांव से निकल गया। लोगों ने आंखों ही आंखों में एक दूसरे को मुबारकबाद दी। बच्चों ने असर नू हवेली के मैदान में गुली डंडा खेलना शुरू कर दिया। जवान लड़कियों ने हसबे मामूल कोठों पर बैठकर बाबा साहिबा के दोहे गाना शुरू कर दिए, जिनमें आईना तो इश्क इलाही का होता था लेकिन अक्स नोखेस मटियारों की आरजू अंगेज सपनों, नई दुल्हनों के मुतलातम वलवलों और मुंतजर सुहागनों की आस का पड़ता था। यहाँ तक आकर दादी अम्मा की सीना बसीना रवायात का सिलसिला मुनकता हो जाता था। चौधरी महताब दीन कहाँ गए, उनका अंजाम क्या हुआ, दादी अम्मा कोई बात वसूख से ना बता सकती थी। एक अफवाह ये थी कि कलकत्ता की राह में कोसी नदी के किनारे उनकी मुलाकात एक मजजूब साईं रीता शाह से हो गई, जो रेत की मुठियाँ भर भर कर मुँह में डालते थे और इसे बादामों की तरह चबाते रहते थे। चौधरी महताब दीन ने अपने लाओ लश्कर को खैरबाद कहा और कलंदराना वजह इख्तियार करके रीता शाह की खिदमत में बैठ गई। दूसरी खबर ये थी कि बनारस के शहर में सुबह बनारस की सैर देखते देखते वे एक बरहमनी पर हजार जान से आशिक हो गए, जो गंगा में स्नान करने के बाद सूरज देवता को जल चढ़ा रही थी। इसी आशिकी में उन्होंने चार अबरों का सफाया करवा दिया और एक हिंदू स्वामी का चेला बनकर जोग ले लिया। जितने मुँह इतनी बातें, लेकिन हमारे बड़े बूढ़ों ने अपनी अना की हिफाजत के लिए ये मफरूज़ा पाल रखा था कि ये सब पापर बेलने के बाद चौधरी साहब लाहौर दाता दरबार रहमतुल्लाह अलैह के दरबार में गोशा नशीन हो गए और चंद साल बाद सिखों के खिलाफ किसी मार्के में जहाद करते हुए जामे शहादत नोश फरमाया। चुनाचा दादी अम्मा अपनी चादर का पल्लू फैलाकर बड़ी अकीदत से दुआ मांगा करती थीं, अल्लाह चौधरी महताब दीन को कदम कदम पर जन्नत नसीब करें। वो दीन और दुनिया दोनों से सरखुरू होकर अगले जहान सुधारा। मुझे इस बात से कोई गर्ज ना थी कि चौधरी महताब दीन मैदान जहाद में शहीद हुए थे या साईं रीता शाह के कदमों में फोत हुए थे या बनारस के हिंदू ब्रह्मनी के जोग में उनका स्वर्गवास हो गया था। मेरे दिलो दिमाग पर तो उनके सिमाक की तरह मुस्तरिब किरदार की बू कलमूनी ने अपनी ऐसी गिरफ्त जमा ली थी जैसे बड़े साइज़ का मकनातीस चुटकी भर लो चून को अपनी कशिश में जकड़ लेता है। मेरे जहन में
से हरी टाकीज जम्मू गेट कीपरी और रेलवे ट्रेन का गार्ड बनने के ख्यालात का फूर हो चुके थे और चौधरी मेहताब दीन के नक्शे कदम पर चलने की आरजू ने मुझे मगरमच्छ की तरह गुराब से निगल लिया। अजीबो गरीब ख्वाहिशात की इस दलदल से मुझे करम बख्श ने निकाला। करम बख्श बचपन ही से दादी अम्मा का मुलाजिम था। इसकी उम्र 70 बरस थी, लेकिन अब वो दिन रात अनुमन बैल की तरह बेतकान काम करता था। उसका तन बदन खारदार कीकर की तरह सख्त और करख्त था, लेकिन दिल बड़ा गुदास था। कहने को तो वो बिल्कुल अनपढ़ और जाहिल था, लेकिन यूसुफ सुलेखा के किस्से की किताब हाथ में उल्टी पकड़कर वो सही तरतीब से सारी नज़म के अशार फरफर सुना देता था। अगर किताब उसके हाथ से ले ली जाए तो उसकी ज़ुबान पर नज़म की रवानी भी वहीं रुक जाती थी। वो ख़ुद भी पंजाबी में बैत कहता था। कभी कभी चौधरी मेहताब दीन के किस्से सुनाकर जब दादी अम्मा अजीब सी लय में बाबा शहाबुद्दीन की गोरमक्खी दोहे अलापने लगती थीं, तो करम बख्श ही पास बैठकर हमें उनका मतलब समझाया करता था और कहीं कहीं बाबा साहब के कलाम और बयान में हसब ज़रूरत इस्लाह भी देता रहता था। बाबा शहाबुद्दीन साहब के दोहों का रंग कुछ इस तरह का होता था। ओ मेरे यार, मैंने आज तक तेरे बाग में कदम नहीं रखा, मैं क्या जानूं तेरे फूल पीले हैं या सुर्ख हैं या सफ़ेद हैं। जो तेरा रंग है वही मेरा रंग है, मैं तो तेरे बाग में आँखों के बल जाऊंगी। ओ मेरे यार, तेरे दामन को मैंने कभी नहीं छुआ, तेरा दामन बादलों से परे सितारों से ऊंचा है। मैं बेचारी तो कभी तेरे ख्याल के दामन को भी ना छू सकी। तेरा ख्याल तुझसे भी ज़्यादा ताबनाक है, क्योंकि इसको मैं खुद अपने हाथों से सजाती हूँ। ओ मेरे यार, रात की खिलवत में मैंने तुझको लम्हा भर के लिए आखिर पा ही लिया। अब मेरी सहेलियाँ मुझे ताना देती हैं कि ये महज ख्वाब था। ऐसे ख्वाब पर हज़ारों बेदारियाँ कुर्बान, मैं तो इसी के इंतज़ार में पड़ी सोती हूँ। ओ मेरे यार, मैं भी तो तेरे बहुत काम आती हूँ। मैं देख, मैंने तेरे रुख पर अपने तसव्वुर का हिजाब डाल रखा है, और अगर मैं अपने तसव्वुर की आँख ज़रा सी बंद कर लूँ तो सारी दुनिया तुझे बेनकाब देख लेगी। ओ मेरे यार, तू अहद है, तू समद है, तू अबद है, तू अजल है। शुक्र कर, तू मेरी गली का अलबेला जवान नहीं, वरना मैं तुझे खूब सताती, खूब तरसाती, खूब तड़पाती, तुझे बड़ी बड़ी आजमाइशों में डालती और सारा सारा दिन अपने दरवाजे की ओर से झांक झांक कर तेरा तमाशा देखा करती। ओ मेरे यार, तू अजीज़ है, तू हफीज़ है, तू करीम है, तू हलीम है। शुक्र कर, तू मेरे सपने का अरमान नहीं। ओ मेरे यार, तू वहाब है, तू सत्तार है, तू तवाब है, तू गफ्फार है। शुक्र कर, तू हमारे खेत का राखा नहीं, वरना मैं हर रोज़ तुझे चोरी चोरी मिलने आया करती। तू रखवाली कर ही ना सकता, सारे खेत को चिड़ियाँ चुग जाती। ओ मेरे यार, तू माबूद है, तू मसजूद है, तू मकसूद है, तू मौजूद है। शुक्र कर, तू मैं नहीं, वरना ना जाने तेरा क्या हाल होता।